साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फैक्ट्रीज में आखिर कैसे लोहे के स्क्रैप से सरिये, पाइप और आई बीम से लेकर घरों के छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन शेड को बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रीज में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी इस ट्रॉली को एक बड़ी सी फर्नेस तक लाया जाता है। यहाँ इस ट्रॉली से स्क्रैप को काफी सावधानी से इस फर्नेस में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्नेस लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। इसमें फर्नेस के अंदर इस स्क्रैप को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब ये स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहाँ से इस लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इन मोल्ड्स से इन रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने पर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बीम्स की मदद से ही अब लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बीम से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाता है जहाँ इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तो इन बीम्स को एक एक करके अलग बाहर कन्वेयर पर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये बीम आगे लगी डाई मशीन से गुजारा जाता है जिससे ये बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की आइडल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है जिससे ये बीम पतला और लंबे हो जाते हैं। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी उसमें छोटी डाई डाल दी जाती है। इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होते जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजार कर ये लोहे की रॉड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और स्टील के इन्हें बीम को गर्म करके और भी कई तरह के लोहे के उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें इस तरह के स्टील वायर भी शामिल है। इन बीम्स को डाई में से गुजारते हुए काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर डाई मशीन की मदद से तेजी से छल्लों के रूप में आगे की तरफ कन्वेयर पर फेंक दिया जाता है जिसके बाद ये आगे ठंडा हो जाता है। फिर इस वायर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनके रोल बना दिए जाते हैं और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हीं लोहे के बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम को कन्वेयर की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इन बीम को सीधे ही एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है जिसके बाद ये बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है जहाँ ये परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल दिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है क्योंकि इस तरह के आई बीम काफी ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टिन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह की स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहाँ इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है जिससे ये प्लेट लंबी और पतली होते जाती है।
इस तरह से इस प्लेट को कन्वेयर की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इस प्लेट की थिकनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस स्टील को कॉइल में लपेटकर रोल करते हुए इस प्रेसिंग रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपनी आइडल थिकनेस तक नहीं पहुंच जाती। जब ये शीट पूरी तरह से अपनी आइडल थिकनेस तक पहुंच जाती है तो फिर इस शीट को आगे की तरफ एक कॉइल बना दिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील कॉइल को एक मशीन में सेट करके इसकी शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टील शीट से टिन शेड कैसे बनाए जाते हैं। टिन शेड बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट के रोल को इस मशीन के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस शीट को आगे खींचते हुए डाई रोलर के एक लंबे प्लेटफॉर्म पर चलती जाती है। यहाँ बीच में लगे डाई रोलर इस शीट को प्रेस करते हुए इसमें नाले की शेप में डिजाइन बनाए जाते हैं। जैसे जैसे ये शीट आगे बढ़ती जाती है इसमें लगे रोलर्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये रोलर इस शीट को प्रेस करते हुए आगे निकालते जाता है जिससे ये शीट टिन शेड की शेप में आ जाती है। फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि ये डाई मशीन में से गुजारने के बाद ये टिन शेड की शीट एकदम परफेक्ट शेप में आ जाती है। फिर यहाँ से इस शीट को फिक्स लेंथ के टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि इन स्टील शीट की मदद से गोल और स्क्वायर पाइप्स को किस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील की कॉइल को एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है, फिर इस स्टील की शीट के एक मुंह को लेकर एक कटिंग मशीन में फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस शीट को खींचते हुए पतली पतली पट्टियों में काटती जाती है। फिर इन पट्टियों की अलग से कॉइल बना ली जाती है। फिर इसमें से एक कॉइल को लेकर इससे भी एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है। फिर स्टील की इस पट्टी को पाइप बनाने वाली मशीन में सेट कर दिया जाता है। ये एक काफी लंबा मशीन प्लेटफॉर्म होता है जहां स्टील की इस शीट को आगे खींचते हुए डाई रोलर्स के नीचे से गुजारा जाता है। यहां ये डाई रोलर स्टील की पट्टी को प्रेस करते हुए गोल शेप देते जाते हैं। जैसे जैसे ये पट्टी गोल पाइप की शेप में आती जाती है तो आगे लगी एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन इसके दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए इसे गोल पाइप में बदलती जाती है। फिर आगे इस पाइप की वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दे दी जाती है। फिर आगे एक कटिंग मशीन के जरिए इस पाइप को 20 पीस फिट के टुकड़ों में काट दिया जाता है और ठीक इसी तरह से इन स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप को बनाया जाता है। स्क्वायर पाइप बनाने के लिए सेम इसी तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऊपर बस गोल पाइप की बजाय स्क्वायर पाइप बनाने की डाई लगी होती है जो कि इस शीट को स्क्वायर शेप में फोल्ड करते जाती है। इसके बाद इस पाइप के भी दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए ये मशीन आगे निकालते जाती है। इसके बाद इसकी वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दे दी जाती है। इस तरह से इन स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट्री मशीन्स कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।